सहरसा जिला मुख्यालय स्थित मत्स्यगंधा मंदिर जो पूरे और काले 64 योगिनी धाम सहरसा मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना सहरसा का निर्माण कार्य मार्च 1996 को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया था। कार्य स्थल एक अनुशासन संस्थान के रूप में था जहां बहुत दूर तक सड़ी गली लाश तथा मानव हड्डी बिखरे नजर आते थे। यहां बहुत से खुखार कुत्ते सियार विषैले सर्प बिच्छू आदि जानवर नजर आते थे। मानव शरीर का हड्डी जमीन पर इस तरह बिखरा नजर आता था कि पैर रखना मुश्किल लगता था। ऐसे भूभाग कार्य में काम करना यहाँ के लिए एक चुनौती भरी कार्य था। लावारिस लाशों को येन करेन प्रकारें फेंकनी, शरणस्थली नरभक्षी कुत्तों एवं सियारों तथा अपराधियों के छिपने की जगह के उन्नयन का साहस जुटाना क्या किसी नौकरशाह का सुविचारित प्रयत्न हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पहला कार्य झील की सफाई का था। झील तथा इस स्थल के नारकीयता को देखकर मजदूर कार्य के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य थी। फिर भी यहाँ अपने निकटस्थ जिला के सभी अंचलों एवं गांवों के जनमेट के माध्यम से मजदूर लाया जाने लगा। जलाशय निर्माण कार्य में एक छोटी सी घटना को भुलाया नहीं जा सकता, यह कि खुदाई में मानव कंकाल नरमुंड तथा सड़ी गड़ी खोदकर उसमें डालते थे। खैर, हम आगे की बात बताने जा रहे हैं जो काफी दिलचस्प है। जिला पदाधिकारी महोदय कार्यस्थल पर आए मंदिर नुमा घर को देखकर उनकी भी मन भा गई। इस परियोजना को सुंदर व एवं प्रभावशाली देखकर जिला पदाधिकारी महोदय ने जल क्षेत्र में मोटर वोट पैडल नाव, पतवार नाव एवं लकड़ी का नाव देने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए। सप्ताह के अंतर्गत कलकत्ता से पैडल नाव एवं पतवार नाव ट्रक के द्वारा लाया गया तथा परियोजना के अंतर्गत जलाशय में गिरा गया। वोट पर चढ़ने वालों की भीड़ लगने लगी। इस परियोजना में अपार भीड़ को देखते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने इस जल क्षेत्र में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। नौका दौड़ में छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए सभी विद्यालयों को आमंत्रण के आदेश दिए गए और 26 जनवरी 1997 को नौका दौड़ प्रतियोगिता समय अनुसार आयोजन किया गया। विजेता टीम के बीच शील्ड का वितरण किया गया। इस मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना सहरसा का उद्घाटन दिनांक 2 मार्च 1997 को बिहार के मुख्यमंत्री उस समय श्री लालू प्रसाद यादव थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रशासनीय बताते हुए जिलों में भी इस तरह की परियोजना को आवश्यक बतलाए। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिए थे उस समय। मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना सहरसा सुंदर तथा रमणीय बन जाने के बाद 2 मार्च 1997 को बिहार के मुख्यमंत्री उस समय श्री लालू प्रसाद यादव थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस योजना के प्रशासनीय बताते हुए जिलों में भी इस तरह की परियोजना को आवश्यक बतलाए। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिए थे उस समय। मत्स्यगंधा जलाशय परियोजना सहरसा सुंदर तथा रमणीय बन जाने के बाद इसकी पर्यटक उपलब्धि को देखकर एकाएक झील पर मंदिर बनाने जैसी भावना जाग उठी और यहाँ पे के कार्यकर्ता मन ही मन सोचते रहे कि यहाँ बड़ी से बड़ी मंदिर बन जाने के साथ यह पर्यटन स्थल लोगों के धार्मिक भावना से भी जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों की भावना धार्मिक वातावरण के लिए रमणीय लेकर आएगी। जलाशय और सुंदर एवं प्रभावी हो जाएगा। धार्मिक स्थल होने के बाद यहाँ का वातावरण धर्म के साथ जुड़ जाएगा और वातावरण सदैव स्वच्छ रहेगा। जिला पदाधिकारी ने उप समाहर्ता श्री वशिष्ठ नारायण सिंह के माध्यम से मंदिर निर्माण के लिए बैठक बुलवाने के आदेश दिए एवं
गणमान्य व्यक्तियों की सूची बना ली और दिनांक 26/11/1996 को शहर के गणमान्यों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्माण हुआ कि पोस्टमार्टम घर को हटाकर इस स्थल पर माँ काली का भव्य मंदिर बनाया जाए। उसी समय सरस्वती बाल विद्यालय के प्राचार्य श्री रामसुंदर साहा के सहयोग से राजविराज नेपाल के वरीय अभियंता श्री राजकुमार देव से मंदिर का नक्शा पैगोडा मॉडल से प्राप्त किया गया था। दिनांक माह दिसंबर 1996 को माँ रक्त काली मंदिर का शिलान्यास महायोगी निरंजनानंद सरस्वती से उसी पोस्टमार्टम लिए परमेश्वर कुमार जैसे हस्तियों तथा अन्य शहरी व्यक्तियों की भूमिका स्मरणीय है। कम ही समय में मंदिर बनकर तैयार हो गया और मई 1997 को ट्रक से मां रक्त काली शंकर जी गणेश जी साधव वामा खेपा रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति नरेश जायसवाल जी द्वारा लाए संत बाबा कारू खिरहरी प्रतिमा है। इनका जन्म स्थली महपुरा धाम मैना महपुरा के अंतर्गत हैं। 17वीं शताब्दी के ये सिद्ध पुरुष महान पुरुष हैं। इनकी वर्णन भगत लोक गाथा में इनकी वर्णन भगत के द्वारा आज हमारे कंठाहार में इनकी इतिहास बसी हुई है। 17वीं शताब्दी के ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष महान पुरुष हैं। खास करके पशु देवता के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है कि आज भी इनकी महिमा इतनी है कि पशु को कुछ भी होता है तो इनके नाम से पूजा अर्चना करने के बाद वह ठीक हो जाते हैं, जो कि लोग यहाँ मुख्य रूप से आते रहते हैं। जिनकी मनोकामना पूरा होती है वो यहाँ चढ़ावा बढ़ावा ध्यान के लिए निरंतर आते रहते हैं। इनकी महिमा बहुत अधिक है। आप अपना परिचय दिए। मेरा नाम अनिल कुमार, संत बाबा कारू खिरहरी विकास परिषद के हम युवा मोर्चा अध्यक्ष हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। किताब को छोड़ दीजिए। इस किताब के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये किताब जो है, ये कहानी जो मत्स्यगंधा और रक्तकाली मंदिर से संबंधित है। रक्तकाली मंदिर जो है और मत्स्यगंधा है, पहले जो है मत्स्यगंधा का उसका सरकारी अभिकर्ता मही था जी। उस समय जो है लवारिस लाश को इधर उधर फेंकने, सबसे पहले मैं सरकारी अभिकर्ता राजस्व कर्मचारी था जी।
और उसी समय में मत्स्यगंधा निर्माण के लिए अभिकर्ता के रूप में मुझे मिला है। वर्ष 1996 में जो सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत मत्स्यगंधा जलाशय का एक कार्डमान बनाया गया जिला पदाधिकारी ने, जहाँ जहाँ जो है गड्ढे से तब्दील जमीन जो है मजदूर को मजदूरी बढ़ाने के लिए उसके कार्य लेने के लिए उनको एक नया योजना तैयार किया। यह योजना इतना था कि स्थल इतनी वीरान थी, यहाँ पर जो है लाश को फेंकना, लाश को दफनाना, लाश को यही 1 किलोमीटर या लाश से लाश बराबर था, ऐसी जगह में काम करना मुश्किल था। हमने अघोरी के माध्यम से इस कार्य को आरंभ किए, बाहर से अघोरी को मंगा करके उससे काम लिए। इसके बाद जो है मिट्टी के कार्य हुआ, मिट्टी के कार्य के यह सुंदर झील बन गया, उनमें जो है बोट का आरंभ किया गया, नौका विहार भी इस झील में किया गया। लोग जो है इसका आनंद लेने लगे, बाहर बाहर से जो आदमी का यहाँ जो है जो आना जाना काफ़ी हो गया। इस समय में मेरा यह इसी से लेकर के यह जो है काली 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किया। 64 योगिनी मंदिर जो है पूर्व में जो हम जो काम कर रहे थे उसमें जिला पदाधिकारी ने एक छोटी सी हम मंदिर बनाए, उसको देखकर उसकी रोंग गई और हमको बहुत तरह के यह बात करने लगे। मैंने उस मंदिर को निर्माण के लिए आदमी को डर को भगाने के लिए वह मंदिर को निर्माण किए हैं, जो मंदिर के यह सामने में पड़ा हुआ है बुझे न, उसी से माँ ने माँ की इच्छा हुई इस स्थल को विरान स्थल पर यह शमशान जगह पर अपना अस्तित्व बनावे। माँ ने सारे डीएम साहब को और सारे यहाँ के जो पब्लिक के बीच में जो है मत्स्यगंधा निर्माण का जो है और रक्तकाली मंदिर की स्थापना के लिए यह पुष्पांतम जो घर पर बनाए। इस किताब के बारे में और क्या खुलकर आप बात? यह किताब जो हम जो कर्म किए हैं यह मेरी एक कहानी है, और यह कहानी मैंने आम आदमी के लिए इसकी जानकारी के लिए प्रस्तुत किया। और मंडलीय संग्रहालय मूर्ति कब चोरी हुआ? अष्ट धातु की मूर्ति ना? कब चोरी हुआ था? और कुछ बताइए, उधर का हो गया हमको भी इधर वो मंदिर बड़े मंदिर।
संत बाबा कारू खिरारी परमंडलीय संग्रहालय बरसों से बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है? बंद जब से बुद्ध की मूर्ति यहाँ से चोरी हुई है तब से यह बंद है, और कुछ लोग राजनीति के शिकार से भी यहाँ यह बंद पड़ा हुआ है। किस प्रकार की राजनीति? यहाँ संत बाबा कारू खिरारी परमंडलीय संग्रहालय क्यों है, इसलिए कुछ लोग यहाँ चाहते हैं कि यह संग्रहालय धूमिल हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, इसलिए वो इसे खुलने देना नहीं चाहते हैं कुछ राजनीतिक लोग। सरकार की उदासीनता के चलते और प्रशासन की लापरवाही के चलते, जबकि बार बार यहाँ कला संस्कृति मंत्री यहाँ आके यहाँ पर आकर के कहे कि यह खुलेगा, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी यहाँ खुलने की उम्मीद हम लोग नहीं देख रहे हैं। यह सरकार की उदासीनता है, लापरवाही है। इसमें राजनीति क्या हो सकती है? राजनीति यही हो सकती है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि संत बाबा कारू खिरारी संग्रहालय यहाँ नहीं रहे, इस क्षेत्र में नहीं रहे। ऐसा आखिर ये तो सार्वजनिक हो रहा है और लोग भी आ जा रहे हैं, ये दार्शनिक स्थल के रूप में भी इसे उभारा जा सकता है, इतनी बड़ी विकास को लोग क्यों रोकना चाहेंगे? यदि विकास को नहीं रोकना, के बहुत बड़ा यदि विकास को रोकना नहीं चाहते तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, संसद, प्रशासनिक जिला पदाधिकारी, ये लोग यदि चाहते, सरकार चाहती तो यह निश्चित रूप से खुलता है। इसलिए कि हमें अपने आप में उदासी होती है कि यह सरकार रहने के बावजूद भी, यहाँ प्रशासनिक लोग रहने के बावजूद भी फिर भी यह नहीं खुल रहा है, इसलिए हम इसे राजनीति का शिकार नहीं कहें तो और क्या कहें। शुरुआत में जब शुरुआती हुई तो बहुत सुंदर ही स्वर्ग जैसा जलाशय, यहाँ मनोरम झील, सभी तरह के फुहारे चल रहे थे और यहाँ बोटिंग भी किया जा रहा था, बाहर से लोग आते थे, यहाँ आनंद का लुत्फ तो उठाते थे, लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जहाँ तक कि यहाँ सरकार को कुछ न कुछ आमदनी भी बोटिंग से और मछली पालन से हो रही थी, लेकिन यह कुछ दिनों से हालत बिगड़ गई, यहाँ की ना तो बोटिंग है, जबकि हाल फिलहाल में भी कला संस्कृति मंत्री यहाँ इस जगह पर आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिए, क्षेत्रीय विधायक, जिला पदाधिकारी, प्रशासनिक लोग जो भी आते हैं सारे लोग आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन सबके आश्वासन के बाद भी यह चीज़ जस का तस पड़ा हुआ है, यह अधूरा है। यदि यह हो जाए तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी आमदनी की केंद्र हो जाएगी, मत्स्य पालन और बोटिंग जो कि पर्यटन रूप में इसे निखारा जा सकता है। आप सरकार से क्या आशा करते हैं? हम सरकार से यही आशा करते हैं कि यह सरकार की एक आमदनी की केंद्र है, समाज का एक बहुत बड़ा मनोरम स्थल है, पर्यटन स्थल है, कि इसको साफ सुथरा किया जाए, यह पहले की तरह यहाँ बोटिंग हो ताकि लोग बाहर से भी यहाँ आए और आनंद का लुत्फ तो उठावे। हम तो अपनी साधना कई वर्षों पूर्व से 64 जोगिनी धाम रक्त कालिका मंदिर में बहुत दिनों से अपनी उपासना करता आया। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी बाजार से आ रहे हैं, अनंत चतुर्दशी व्रत आज, हाँ इसीलिए वो पूजन करके आ रहा हूँ। और यहाँ का शांति व्यवस्था में पुलिस का क्या सहयोग है, प्रशासन का क्या सहयोग? यहाँ का प्रशासन की जो व्यवस्था है वो सक्रिय के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहता है। सक्रिय रूप से निर्भर? जी नहीं, वो अपना लोग आते हैं और अपना ड्यूटी बजा करके जाते हैं। अच्छा, यहाँ का जीर्णोद्धार के लिए आपके तरफ से क्या व्यवस्था हो रहा है और प्रशासन क्या व्यवस्था? यहाँ का जीर्णोद्धार के लिए सबसे बड़ी कामयाबी हमारी काली माँ रही है, वो सबों को पता है। प्रशासन के तरफ से क्या व्यवस्था? प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी है वो अपने स्तर से हमारे लिए अच्छे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं शंकराचार्य द्वारा चारों पीठ कांची काम कोटि पीठम सेवा ट्रस्ट मद्रास चेन्नई के द्वारा मंडन भारती मंडन धाम जो महिषी उग्रतारा स्थान में अवस्थित है, वहां पर मैं व्याकरण से आचार्य किया हूं। महिषी माहिष्मती हमारा ग्राम है, सहरसा जिला के सटे हुए। स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम सुगांगना यत्र गिरो गिरन्ति शिष्यो शिष्य रूप गीयमान भवे ही तन मंडन मिश्र धाम। सहरसा जिला अंतर्गत माहिष्मती ग्राम वास्तव्य सोहम ठाकुर।
बटुक भैरव का मुक्तिदाता हैं टीएन लाल दास जी। इस मंदिर में निर्माण काल से शुरू से उनका श्रद्धा बना हुआ रहा है जी। और ये बटुक भैरव की मूर्ति उन्होंने अपने तरफ से दी है। अष्ट धातु की मूर्ति ना। कब चोरी हुआ था? और कुछ बताइए। उधर का हो गया हमको वो मंदिर बड़े में। संत बाबा कारू की रहड़ी परमंडलीय संग्रहालय बरसों से बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है? बंद जब से बुद्ध की मूर्ति यहां से चोरी हुई है तब से यह बंद है। और कुछ लोग राजनीति के शिकार से भी यहां यह बंद पड़ा हुआ है। किस प्रकार की राजनीति? यहां संत बाबा कारू की रहड़ी परमंडलीय संग्रहालय क्यों है? इसलिए कुछ लोग यहाँ चाहते हैं कि यह संग्रहालय धूमिल हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, इसलिए वो इसे खुलने देना नहीं चाहते हैं। कुछ राजनीतिक लोग सरकार की उदासीनता के चलते और प्रशासन की लापरवाही के चलते, जबकि बार बार यहाँ कला संस्कृति मंत्री यहाँ आके यहाँ पर आकर के कहे कि यह खुलेगा, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी यहाँ खुलने की उम्मीद हम लोग नहीं देख रहे हैं। यह सरकार की उदासीनता है, लापरवाही है। इसमें राजनीति क्या हो सकती है? राजनीति यही हो सकती है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि संत बाबा कारू की रहड़ी संग्रहालय यहाँ नहीं रहे, इस क्षेत्र में नहीं रहे। लोग भी आ जा रहे हैं, ये दार्शनिक स्थल के रूप में भी इसे उभारा जा सकता है। इतनी बड़ी विकास को लोग क्यों रोकना चाहेंगे? यदि विकास को नहीं सहरसा के बहुत बड़ा यदि विकास को रोकना नहीं चाहते तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, संसद, प्रशासनिक जिला पदाधिकारी, ये लोग यदि चाहते, सरकार चाहती तो यह निश्चित रूप से खुलता है। इसलिए कि हमें अपने आप में उदासी होती है कि यह सरकार रहने के बावजूद भी, यहाँ प्रशासनिक लोग रहने के बावजूद भी फिर भी यह नहीं खुल रहा है। इसलिए हम इसे राजनीति का शिकार नहीं कहें तो और क्या कहें। शुरुआत में जब शुरुआती हुई तो बहुत सुंदर ही स्वर्ग जैसा जलाशय, यहाँ मनोरम झील, सभी तरह के फुहारे चल रहे थे और यहाँ बोटिंग भी किया जा रहा था। बाहर से लोग आते थे, यहाँ आनंद का लुत्फ़ तो उठाते थे, लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जहाँ तक कि यहाँ सरकार को कुछ न कुछ आमदनी भी बोटिंग से और मछली पालन से हो रही थी, लेकिन यह कुछ दिनों से हालत बिगड़ गई। यहाँ की ना तो बोटिंग है, ना ही साफ सुथरा है, ना ही सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित है। जबकि हाल फिलहाल में भी कला संस्कृति मंत्री यहाँ इस जगह पर आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिए। क्षेत्रीय विधायक, जिला पदाधिकारी, प्रशासनिक लोग जो भी आते हैं, सारे लोग आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सबके आश्वासन के बाद भी यह चीज़ जस का तस पड़ा हुआ है, यह अधूरा है। यदि यह हो जाए तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी आमदनी की केंद्र हो जाएगी, मत्स्य पालन और बोटिंग, जो कि पर्यटन रूप में इसे निखारा जा सकता है। आप सरकार से क्या आशा करते हैं? हम सरकार से यही आशा करते हैं कि यह सरकार की एक आमदनी की केंद्र है, समाज का एक बहुत बड़ा मनोरम स्थल है, पर्यटन स्थल है, इसको साफ सुथरा किया जाए, यह पहले की तरह यहाँ बोटिंग हो, ताकि लोग बाहर से भी यहाँ आए और आनंद का लुत्फ़ तो उठावे।
हम तो अपनी साधना कई वर्षों पूर्व से 64 जोगनी धाम रक्त कालिका मंदिर में बहुत दिनों से अपनी उपासना करता आया। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी बाजार से आ रहे हैं, अनंत चतुर्दशी व्रत आज हाँ, इसीलिए वो पूजन करके आ रहा हूँ। और यहाँ का शांति व्यवस्था में पुलिस का क्या सहयोग है, प्रशासन का क्या? यहाँ का प्रशासन की जो व्यवस्था है वो सक्रिय के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहता है। सक्रिय रूप से निर्भर जी नहीं, वो अपना लोग आते हैं और अपना ड्यूटी बजा करके जाते हैं। अच्छा, यहाँ का जीर्णोद्धार के लिए आपके तरफ से क्या व्यवस्था हो रहा है और प्रशासन क्या हो रहा है? यहाँ का जीर्णोद्धार के लिए सबसे बड़ी कामयाबी हमारी काली माँ दे रही, वो सबों को पता है। प्रशासन के तरफ से क्या व्यवस्था? प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी है वो अपने स्तर से हमारे लिए अच्छी। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं शंकराचार्य द्वारा चारों पीठ कांची काम कोटि पीठम सेवा ट्रस्ट मद्रास चेन्नई के द्वारा मंडन भारती मंडन धाम जो महिषी उग्रतारा स्थान में अवस्थित है वहाँ पर मैं व्याकरण से आचार्य किया हूँ। महिषी स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम शुभांगना यत्र गिरो गिरंती शिष्योपशिष्य रूप गीयमान भवे ही तन मंडन मिश्र धाम सहरसा जिला अंतर्गता माहेशमति ग्राम वास्तव्य सोहम ठाकुर। का मुक्ति दाता हैं लाल दास जी, इस मंदिर में निर्माण काल से शुरू से उनका श्रद्धा बना हुआ रहा है जी। और ये बटुक भैरव का मूर्ति उन्होंने अपने तरफ से दी है।